किसानों के प्रदर्शन के दौरान प्रशासन द्वारा बंद किए गए शंभू बॉर्डर से अंबाला के बाजार काफी प्रभावित हुए। वहीं शहर की होलसेल कपड़ा मार्केट भी काफी प्रभावित हुई है। कपड़ा मार्केट के व्यापारियों को शंभू बॉर्डर बंद होने से काफी नुकसान उठाना पड़ा है। हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट की तरफ से एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए गए हैं। शंभू बॉर्डर खोलने की खुशी से कपड़ा मार्केट के व्यापारियों के चेहरे पर खुशी लौटी है। कपड़ा मार्केट के व्यापारियों ने बताया कि हमें शंभू बॉर्डर खोलने की खबर सुनकर बहुत खुशी हुई है, क्योंकि शंभू बॉर्डर को बंद हुए 6 महीने के लगभग हो गया है। इससे कपड़ा मार्केट बहुत प्रभावित हुई। शंभू बॉर्डर बंद होने से बाहर से ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे थे, इससे हमें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। हमारा व्यापार जो था वो पिछले 6 महीने से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा था। हर व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान था, तो हर तरफ उसने गुहार लगाई। आखिर में हमारे हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट ने जो है इसको सुना और अब बॉर्डर जो है खोलने का उन्होंने आदेश दिया। तो मुझे उम्मीद है कि अब वो हाईकोर्ट के जो ऑर्डर हुए हैं उस पर कार्रवाई करते हुए सरकार इस बॉर्डर को खोलेगी ताकि व्यापारियों को कुछ राहत मिल सके। सर आपका नाम? मैं देविंदर कुमार, ओनर रीमा साड़ी कपड़ा मार्केट, होलसेल कपड़ा मार्केट अमला सिटी। सर कितनी खुशी हो रही है आपको कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर क्लियर हो जाएगा? आज बहुत खुशी है, ये तो दिवाली जैसा काम हो गया। दिवाली तो हम मनाते हैं ना, तो दिवाली बहुत तंग बैठे हैं। कपड़ा मार्केट में बहुत नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान है। कपड़ा मार्केट क्या है, सारी मार्केटों में, मनियारी वाली मार्केट में, हर जगह बहुत ज्यादा नुकसान है। व्यापार में तो बहुत खुशी वाली बात है, इसको जल्दी से जल्दी एक हफ्ते में लागू हो जाना चाहिए। हमारे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है, हम धन्यवाद करते हैं हाई कोर्ट का, जिन्होंने बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया। तो बहुत जितनी कह सके व्यक्ति कह सकते, इतनी खुशी वाली बात है। तो बहुत खुशी है कि इससे हमारा बहुत नुकसान हुआ है, कपड़ा मार्केट का बहुत नुकसान हुआ है। 5-6 महीने से, मतलब समझो 12-10 फरवरी से ये मार्केट बंद ही पड़ी है एक तरह की, और कोई भी कस्टमर पंजाब का नहीं आ रहा है। तो इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और हमें पता लगा कि सरकार ये खोलने जा रही है, तो हमें बहुत खुशी है कि जल्द से जल्द इसको बॉर्डर को खुलवाया जाए और हमारा काम दोबारा शुरू हो सके। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले।